अमरोहा में बारात चढ़ने के दौरान मारपीट व पथराव हो गया, जिससे वहां कई लोग घायल हो गए। यह विवाद डीजे पर डांस करने को लेकर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पथराव के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र मोहल्ला शेरपुर चुंगी का है। फतेहपुर में अजगरों का झुंड निकलने से ग्रामीण दहशत में आ गए। अजगरों को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को भी सूचना दे दी और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर सभी अजगरों को कब्जे में ले लिया। यह मामला धाता विकासखंड के आलमपुर गेरिया गांव का है। प्रयागराज में हुआ भीषण अग्निकांड। दरअसल नैनी हाईवे पर ओमनी वैन में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से पूरी वैन जलकर राख हो गई। सूचना अनुसार फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, जिससे पूरी वैन जलकर खाक हो गई। गोंडा में बालू के अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें अजय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन चार अभी भी फरार हैं। मौके पर 2947 घन मीटर अवैध बालू मिली। साथ ही खनन में प्रयोग किए जा रहे 7 ट्रक और 2 पोकलैंड एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। यह मामला अयोध्या बॉर्डर घाघरा के पास है। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह पूरी घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कालेकन चौराहा की है। पीलीभीत में डीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, साथ ही लेक्चर हॉल व प्रधानाचार्य कक्ष में कराए गए कार्यों को भी देखा। डीएम ने मेडिकल कॉलेज में हो रहे निर्माण कार्यों को देखकर दिशा निर्देश दिए। मल्टीपर्पज हॉल व ओपन एयर थिएटर का मैप लेआउट देखा। मल्टीपर्पज हॉल को 3 माह में पूर्ण कराने के दिशा निर्देश भी दिए। संबंधित संस्था के अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए। पीलीभीत में खेलते समय आग में मासूम बच्ची झुलस गई। दरअसल मां दोनों बच्चियों को खेलते हुए घर में छोड़कर काम कर रही थी। दोनों बच्चियां खेलती हुई पशुशाला में पहुंच गई, तभी पशुशाला में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 वर्षीय मासूम बच्ची संध्या आग में झुलस गई। परिजनों ने आग को बुझाकर मासूम को CHC में भर्ती कराया, जिसे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यह पूरी घटना पूरनपुर के गांव महंत खास की है। बागपत में नमकीन फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग पर फायर ब्रिगेड ने फिलहाल काबू पा लिया है। यह पूरा मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र का है। रायबरेली में अलाव की चपेट में 2 युवक आ गए। आग की चपेट में आने से दोनों युवक बुरी तरह से झुलस गए। घायल अवस्था में CHC लाया गया उन्हें। गंभीर हालत में डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर भी कर दिया। यह घटना सलोन कोतवाली क्षेत्र के वीरभानपुर की है। एटा में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर सवार मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। यह बस दिल्ली से आ रही थी। इस बेकाबू रोडवेज बस की जोरदार टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में लगभग 8 से 9 लोग घायल हुए हैं, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। चालक बस लेकर फरार हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि लेंटर डालकर यह ट्रैक्टर सवार मजदूर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बिरामपुर GT रोड आ रहे थे। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्डों के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट में गार्ड को गंभीर चोटें आईं। युवकों से मामूली कहासुनी के बाद जमकर हाथापाई हुई। इस हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला थाना कविनगर क्षेत्र के निजी सोसाइटी का बताया जा रहा है। लखनऊ में समाजवादी कार्यालय में बैठक चल रही है। मतदान सूची को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में अखिलेश यादव ने सपा के कई नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। मतदाता सूची का समय बढ़ाने को लेकर हो रही है बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। गाजियाबाद में NH-24 मंदिर के पास अज्ञात लोगों ने गौकशी पर जमकर हंगामा किया। वहीं हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। आसपास के CCTV कैमरों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया।
दो से तीन गौकशी करने के बाद हिंडन नदी में फेंका। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर निकाला। गाजियाबाद पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां मौजूद थे। मुरादाबाद में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। यह विवाद एक बार फिर धार्मिक स्थल के नए निर्माण को लेकर हुआ। दो पक्षों में टकराव का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि अराजक तत्वों ने महिलाओं संग मारपीट की। शांतिपूर्ण निर्माण रुकवाने का विरोध कर रही थी महिला। मुस्लिम समाज की महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा। आपको बता दें कि यहां मर्यादाएं पुलिस अपनी खो बैठी। अराजक तत्वों संग महिलाओं को पीटा। यह पूरा मामला थाना मोंढा पांडे के गाँव रोंडा का बताया जा रहा है। फेरी वाले के घर में घुसकर की हत्या। पांच बदमाशों ने धारदार हथियारों से घर में घुसकर हत्या की। पत्नी ने जमीन के विवाद में पांच के खिलाफ तहरीर दी थी। दो भाइयों तीन अज्ञात बदमाशों पर पत्नी ने हत्या के आरोप लगाए। रात 1 बजे की बताई जा रही वारदात। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।